भारत एक ऐसा देश जहां साधु संतों को ईश्वर की तरह माना जाता है। भारत में कई ऐसे संत महात्मा हुए हैं जिनकी लोग पूजा करते हैं। कई ऐसे संत भी हुए हैं जो अपने चमत्कारों से दुनिया को चमत्कृत करते रहे हैं, और ऐसे ही एक संत हुए बाबा नीम करौली, जिन्होंने अपने चमत्कारों से लोगों को कई बार चमत्कृत किया। बाबा नीम करौली के चमत्कार का ही असर है कि उनके भक्त भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे देश में भी हैं। वैसे तो बाबा नीम करौली का पूरा नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था, लेकिन एक चमत्कार के बाद उन्हें बाबा नीम करौली के नाम से जाना जाने लगा। आपको यहां बता दें कि लक्ष्मण नारायण शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में साल 1900 में हुआ था। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई थी, लेकिन उनका मन वैराग्य में लग गया और उनके साधु बनने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। हालांकि परिवार के समझाने के बाद वो एक बार घर लौट आए और इस दौरान उनके दो बेटे और एक बेटी भी हुई। लक्ष्मण नारायण शर्मा से बाबा नीम करौली का नाम पढ़ने की कहानी भी काफी दिलचस्प है, और इसका जिक्र मिरेकल ऑफ लव नाम की किताब में भी है। इस किताब के लेखक रामदास ने लिखा है कि एक बार लक्ष्मण नारायण शर्मा बिना टिकट के ही एक ट्रेन में सवार हो गए थे, और इसी वजह से टीटी ने ट्रेन को रोकने और उन्हें उतारने को कहा, और जब वो ट्रेन से नीचे उतर गए तो लाख कोशिश करने के बाद भी ट्रेन चालू ही नहीं हुई। हालांकि जब रेलवे के अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच की तो टीटी ने उन्हें पूरी बात बताई, और जिसके बाद बाबा को तलाश किया गया और अधिकारियों ने कहा कि बाबा को ट्रेन में सवार होने दे। अधिकारियों के मानने के बाद बाबा भी ट्रेन में दोबारा सवार हो गए, और ट्रेन तभी आगे बढ़ी जब बाबा ने आशीर्वाद दिया। इस घटना के बाद से ही उन्हें बाबा नीम करौली के नाम से पुकारा जाने लगा। बाबा के भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। बाबा की प्रसिद्धि भारत के अलावा कई देशों में फैली हुई है। 1960 और 70 के दशक में भारत आने वाले कई अमेरिकी नागरिकों ने उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु माना, जिसमें रामदास, भगवान दास, संगीतकार कृष्णदास और जय उत्तल शामिल है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुगरबर्ग और एप्पल कंपनी के सीईओ स्टीव जॉब्स भी शामिल हैं। बाबा की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी भी बाबा के मुरीद हैं। कुछ महीने पहले क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी बाबा नीम करौली के कैंची धाम वाले आश्रम पहुंचे थे। वैसे तो बाबा के देश भर में कई जगह आश्रम हैं, लेकिन नैनीताल के पास कैंची धाम वाले आश्रम में बाबा के भक्त भारी संख्या में पहुंचते हैं। तो देखिए, इनको लेकर आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।